जय हिंद दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजी स्टडी पे। तो अभी हम लेकर आ गए इंडियन नेवी MR SSR AA और एयरफोर्स Y ग्रुप के लिए जनरल अवेयरनेस की क्लास, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पुरस्कार एवं सम्मान चैप्टर को। पुरस्कार एवं सम्मान चैप्टर से रिलेटेड 1 मार्क से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाते हैं और इनसे रिलेटेड ऐसे 20 क्वेश्चन को हमने चुने हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। अगर आप इस 20 क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे आप नेवी की तैयारी कर रहे हो चाहे एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो। दोनों में जो क्वेश्चन होता है सेम वही क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। तो बस आप जितना क्वेश्चन दे रहे हैं बस उसको अच्छी तरह से रट जाइए, ठीक ना। तो चलिए आज का जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें कि जो भी बंदे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। बहुत बार आपके एग्जाम में ये रिपीट क्वेश्चन है, अगर जो बंदे एग्जाम दिए होंगे उनको मालूम होगा, लेकिन जो बंदे फर्स्ट बार दिए हैं उनको पता नहीं होगा। तो चलिए, ऑप्शन ए इसका साहित्य, ऑप्शन बी है फिल्म, ऑप्शन सी है खेल और ऑप्शन डी है पत्रकारिता। इसका राइट आंसर क्या होगा, सबसे पहले आप लोग हमें इसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर जिनको मालूम नहीं वो वीडियो को कंटिन्यू देखेगा, लेकिन जिनको मालूम होगा उसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में पहले कमेंट करके बताइएगा। देखिए, एक का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार है जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन एक रहते हैं, ठीक ना। तो आप अच्छे तरह से जो भी बता रहे हैं आप याद करना इनसे रिलेटेड क्वेश्चन और पुरस्कार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको अच्छे तरह से याद करते चलना, ठीक ना। तो चलिए दूसरा सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल को देखने से पहले एक नोट्स देख लीजिए, यहाँ पर क्या नोट्स हैं। यहाँ पर देखिए, नोबेल पुरस्कार है जो कि 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्र में दिया जाता है, 6 क्षेत्र में दिया जाता है। किस किस क्षेत्र में, तो यहाँ पर देखिएगा, भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, शरीर विज्ञान या चिकित्सा रहेगा, ठीक ना, दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा, इसके क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। मतलब कि 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक ना। तो आप याद रखिएगा कितने क्षेत्र में, 6 क्षेत्र में। अब देखिए कि यहाँ पर हमने लिखा साहित्य, ये साहित्य ना होकर यहाँ पर क्या आपको रहता, भौतिकी रहता, ठीक ना, क्या रहता है, भौतिकी रहता। तो आपको किस पर टिक लगाना था, भौतिकी पर टिक लगाते, ठीक ना। तो ये कन्फ्यूज मत होना कि हमने साहित्य याद किए हैं और यहाँ पर साहित्य नहीं है तो इस पर टिक, मतलब कि वो आंसर नहीं होगा। तो आप लोग कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना, जो इन 6 में से रहेगा ऑप्शन में, इन 6 में से कोई भी ऑप्शन में आपको रहेगा उस पर आप लोग को टिक लगाना है, ठीक ना। इस बात को आप लोग समझ गए, इसलिए इस बात को हमने यहाँ पर नोट करके आप लोग को बताएं, ठीक। आप समझ गए होंगे, अगर समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो यार, दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक ना, इतना तो आप लोग कर सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से देना प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन 1805 ईस्वी से, ऑप्शन बी 1999 ईस्वी से, ऑप्शन सी 1901 ईस्वी से और ऑप्शन डी 1954 ईस्वी से। दो का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा 1901 ईस्वी से। क्या हो जाएगा, नोबेल पुरस्कार है जो कि 1901 ईस्वी से देना प्रारंभ हो गया था, ठीक ना, तो आप लोग याद रखना। अगला सवाल देखते हैं, 3 नंबर। देखिए, 3 नंबर सवाल भी आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं और पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन ए भारत के द्वारा, ऑप्शन बी स्वीडन के द्वारा, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, ऑप्शन डी है अमेरिका के द्वारा। 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या चीज़, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, स्वीडन के द्वारा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी स्वीडन के द्वारा। नोबेल पुरस्कार है जो कि स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है, तो आप लोग को याद रखना है। अब देखिए, ये नोबेल पुरस्कार स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है, ये किनके याद में दिया जाता है, तो अल्फर्ड बर्नार्ड नोबेल, ठीक ना, अल्फर्ड बर्नार्ड रोबेट जो कि एक रसायनविद थे, उनके यादों में क्या किया जाता है, ये चीज़ दिया जाता है, ठीक ना, तो आप लोग इसे याद रखिएगा, ठीक। ये कहाँ कहाँ दिया जाता है, तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि स्वीडन, स्वीडन में दिया जाता है। दूसरा एक जगह और दिया जाता है, आपके ऑप्शन में होंगे, ठीक ना, वो होंगे क्या चीज़ होंगे, नॉर्वे, ठीक ना, क्या होंगे, नॉर्वे, या नॉर्वे के जगह पे आप लोगों को ओस्ले देखने को मिलेगा, ठीक ना, ओस्लो देखने को मिलेगा। तो ये जो दिया जाता है ये 2 जगह पे दिया जाता है, पहला तो स्कॉटहोम जो कि स्वीडन में है, तो ये स्वीडन एक ऑप्शन में आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर ये ऑप्शन में ना रहे, अगर ओस्लो रहे, ठीक ना, ओस्ले रहेगा या नॉर्वे, ज़्यादा ओस्ले रहता है, ठीक ना, तो ओस्ले रहे तो आप लोग को ओस्ले पर टिक लगाना है, कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना, स्वीडन ना दिया रहे, ओस्ले रहे तो ओस्ले पर टिक लगाना है, अगर ओस्ले ना रहे और स्वीडन रहे तो स्वीडन पर टिक लगाना है, ठीक ना। 2 जगह दिया जाता है, कहाँ कहाँ, एक स्वीडन में और एक ओस्लो जो कि नॉर्वे में, ठीक ना, तो 2 जगह दिया जाता है, आप लोग को इस बात को याद रखना है, ठीक।
चलिए आगे हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, चार नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए फिल्म के क्षेत्र में, ऑप्शन बी खेल के क्षेत्र में, ऑप्शन सी विज्ञान के क्षेत्र में, और ऑप्शन डी साहित्य के क्षेत्र में। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, जो एग्जाम दिए होंगे उनको पता चल रहा होगा कि कितने बार रिपीटेड क्वेश्चन है। चार का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन जल्दी देखते हैं, पांच नंबर सवाल, अच्छा सवाल पूछा गया सवाल। अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए है खिलाड़ियों को, ऑप्शन बी है कवियों को, ऑप्शन सी है वैज्ञानिकों को, और ऑप्शन डी अभिनेता को। पांच को राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज़, ऑप्शन नंबर ए खिलाड़ियों को। अर्जुन पुरस्कार है जो कि किसको दिया जाता है? खिलाड़ियों को दिया जाता है। अगर पूछा जाए कि किस क्षेत्र में दिया जाता है तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन पूछा जाए कि किसको दिया जाता है या किसे दिया जाता है तो खिलाड़ियों को दिया जाता है। इस बात को याद रखना, ठीक है ना आप लोग। बहुत अच्छा सवाल है और इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन है हमने सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है ना, पूछा गया सवाल लिए हैं। और इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरह से नोट कीजिए, याद करते चलिए। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, बोला है कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए खेल के क्षेत्र में, ऑप्शन विज्ञान के क्षेत्र में, ऑप्शन सी फिल्म के क्षेत्र में, और ऑप्शन डी है संगीत के क्षेत्र में। छः का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिल्म के क्षेत्र में। ऑस्कर पुरस्कार है जो कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला सवाल चलिए देखते हैं, सात नंबर सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। सात नंबर सवाल कह रहा है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन बी विज्ञान के क्षेत्र में, ऑप्शन सी खेल के क्षेत्र में, और ऑप्शन डी नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। सात का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विज्ञान के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार है जो कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर, निम्न में से कौन सा देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? ऑप्शन ए अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन बी द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन सी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और ऑप्शन डी पद्मश्री। आठ का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। देखिए अपने देश का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है वो कौन सा है, तो वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये सबसे ऊँचा पुरस्कार है, सबसे बड़ा अवार्ड है अपने देश के लिए जो खेल के लिए दिया जाता है उसके लिए, ठीक ना, ये सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो आप लोग याद रखना, ठीक ना। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है जो कि देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। आगे बात कर चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल नौ नंबर है। नौ नंबर सवाल कह रहा है कि मान बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन बी फिल्म के क्षेत्र में, ऑप्शन सी संगीत के क्षेत्र में, और ऑप्शन डी नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। नौ का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा, ए साहित्य के क्षेत्र में। मान बुकर पुरस्कार है जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप लोग याद रखना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, दस नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, बोला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? ऑप्शन ए संगीतज्ञ को, ऑप्शन बी अभिनेता को, और ऑप्शन डी खिलाड़ी को, और ऑप्शन डी खेल प्रशिक्षकों को। देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार है जो कि खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, मतलब कि खेल के प्रशिक्षकों, मतलब कि जो खेल के जो कोच होते हैं ना उनको दिया जाता है, ठीक है ना, ये खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है। आप लोग को एक ऑप्शन खिलाड़ी भी दे दिया जाएगा कंफ्यूज करने के लिए कि बच्चे लोग क्या कर दे, खिलाड़ी पर टिक लगा दे, ठीक ना, क्योंकि ये खेल से रिलेटेड पुरस्कार है, ठीक ना, तो खिलाड़ी भी दे दे, लेकिन आप लोग को उस पर नहीं टिक लगाना है। आप लोग को लगाना क्या चीज़ पर है, ऑप्शन नंबर डी खेल प्रशिक्षकों, मतलब खेल के जो कोच होते हैं उनको ये क्या दिया जाता है, ये पुरस्कार दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक ना। आगे चलिए हम बात करते हैं 11 नंबर सवाल कह रहा है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए विज्ञान के क्षेत्र, सॉरी साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन बी विज्ञान के क्षेत्र में, ऑप्शन सी फिल्म के क्षेत्र में, और ऑप्शन डी है खेल के क्षेत्र में। 11 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिल्म के क्षेत्र में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है जो कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे चलिए हम लोग बात करते हैं 12 नंबर सवाल कह रहा है, बहादुरी एवं साहस के लिए युद्ध में सबसे बड़ा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? महावीर चक्र, ऑप्शन बी है परमवीर चक्र, ऑप्शन सी कीर्ति चक्र, और ऑप्शन डी है अशोक चक्र। 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, परमवीर चक्र हो जाएगा, ठीक है ना। बहादुरी एवं साहस के लिए युद्ध में सबसे बड़ा जो पुरस्कार दिया जाता है वो परमवीर चक्र है। कौन सा चक्र है, परमवीर चक्र, या सर्वोच्च सेना सम्मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, परमवीर चक्र हो जाएगा। तो ऐसे करके भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। आगे चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर 13 नंबर सवाल बोला है, भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए सामाजिक कार्य के लिए, ऑप्शन बी फिल्म के लिए, ऑप्शन सी विज्ञान के लिए, और ऑप्शन डी साहित्य के लिए। 13 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विज्ञान के लिए, ठीक ना। भटनागर पुरस्कार है जो कि विज्ञान के लिए दिया जाता है। आगे चलिए बात करते हैं 14 नंबर सवाल बोला है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बहुत अच्छा सवाल और आपके एग्जाम में बहुत दो बार पूछा गया सवाल।
ऑप्शन ए सी वी रमन, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन डी है मोरारजी देसाई। देखिए चौथा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इनको साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले भारत में इनको क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये जो है ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति जो है ये कौन कहाँ के हैं, भारत के, ठीक ना, ये भी याद रखना, ठीक ना। तो नोबेल पुरस्कार करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इनको साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था गीतांजलि के लिए, ठीक ना, जो गीतांजलि इनका था पुस्तक उनके लिए साहित्य के क्षेत्र में इनको दिया गया था। आगे बात करते हैं यहाँ पर पुलित्जर पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन ए खेल के क्षेत्र में, ऑप्शन बी साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन सी संगीत के क्षेत्र में और ऑप्शन डी है पत्रकारिता के क्षेत्र में। 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पत्रकारिता के क्षेत्र में। पुलित्जर पुरस्कार है जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक ना। चलिए आगे हम बात करते हैं 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल कह रहा है ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन ए संगीत के क्षेत्र में, ऑप्शन बी फिल्म के क्षेत्र में, ऑप्शन सी खेल के क्षेत्र में और ऑप्शन डी विज्ञान के क्षेत्र में। 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संगीत के क्षेत्र में। ग्रैमी पुरस्कार है जो कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे चलिए बात करते हैं यहाँ पर 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी, ये भारत की है, ये भी है प्रथम भारतीय महिला कौन थी, ठीक ना, ये है क्वेश्चन। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी मदर टेरेसा, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू और ऑप्शन डी नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मदर टेरेसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो प्रथम महिला थी वो कौन थी, मदर टेरेसा थी, ठीक ना, तो आप लोग याद रखना। आगे चलिए देखते हैं 18 नंबर सवाल। बोल रहा है कि भारत रत्न देना सर्वप्रथम कब शुरू हुआ, ऑप्शन 1969 ईस्वी में, ऑप्शन 1951 ईस्वी में, ऑप्शन 1954 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1901 ईस्वी में। 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1954 ईस्वी में, भारत रत्न देना सर्वप्रथम 1954 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। आगे बात करते हैं 19 नंबर सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। 19 नंबर सवाल कह रहा है इनमें से किस भारतीय वैज्ञानिक को भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, ऑप्शन ए जे सी बोस, ऑप्शन बी हरविंद खुराना, ऑप्शन सी एस चंद्रशेखर और ऑप्शन डी अमृत सेन। 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमृत सेन हो जाएगा, सॉरी एस चंद्रशेखर हो जाएगा। इनमें से एक भारतीय वैज्ञानिकों को भौतिक विज्ञान के लिए जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है वो एस चंद्रशेखर है। आगे चलिए बात करते हैं 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी पद्मश्री, ऑप्शन सी अर्जुन पुरस्कार और ऑप्शन डी है नोबेल पुरस्कार। 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत रत्न हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है वो कौन सा है, भारत रत्न है, जो कि सबसे ऊंचा सम्मान है भारत का, तो आप लोग याद रखना, ठीक ना। और आज के टॉप 20 क्वेश्चन थे, आप बस इतना याद कर लो, इसमें से ज़्यादातर जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अगर आप एग्ज़ाम दिए तो आप लोग को पता होगा। तो आप लोग करना क्या है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आने वाले एयरफोर्स के, और जो भी दोस्त को हेल्प मिल सके इस वीडियो से उनको ज़रूर वहाँ तक पहुँचाना, ठीक ना। वीडियो लगा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।